हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और अभी हम हैं अरिहंत मार्ग पर और आज हम देख रहे हैं यहाँ का ब्यूटिफिकेशन। ये हमारी 9वीं वीडियो है दिल्ली ब्यूटिफिकेशन की सीरीज की। सामने अगर आप देखें तो स्टैचू है एक रनर का। ये जो पूरी जगह है ये ओलंपिक को डेडिकेटेड है। सामने अगर आप देखें तो ओलंपिक का साइन भी आपको दिख जाएगा। पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है ये डेडिकेटेड है और इसका नाम भी है ओलंपिक बुलेवार्ड। दिल्ली में इस वक्त लगभग 16 स्ट्रेचेस पे ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है। उनमें से एक ये भी है, ये नॉर्थ दिल्ली में आता है, उत्तरी दिल्ली में मॉडल टाउन के साथ में मजलिस पार्क पर आता है और इसको स्पोर्ट्स थीम पर बनाया गया है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इसका एक पार्ट आपको दिखाया था और अभी हम इसका पूरा स्ट्रेच आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप देखें इस तरफ भी सिटिंग का पूरा एरिया बनाया गया है और ऊपर से ये बड़े ही आर्टिस्टिक डिज़ाइंस बनाए गए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं ये। और जो नीचे है आप देखें तो वॉकिंग के लिए बहुत ही प्रॉपर ग्रेनाइट का वॉकवे बनाया गया है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है, साइन बोर्ड लगाए गए हैं यहाँ पर ओलंपिक्स जहाँ जहाँ पर भी हुए थे। अगर आप यहाँ सामने देखें तो सिटिंग का काफ़ी सारा एरिया बनाया गया है। आप देख सकें तो सैंडस्टोन से ये बनाए गए हैं बेंचेस टाइप में, साथ में साइकिल का ट्रैक है और सारा मेंशनिंग है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं। और अगर आप ये लेफ्ट में स्टैचू देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है नीरज चोपड़ा को, जो कि इंडिया के महान खिलाड़ी हैं, ओलंपिक चैंपियन है जेवलिन थ्रो में। खूबसूरती का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है और उसके लिए जो ये पेड़ और पौधे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। और अगर आप इन्हें देखें तो काफ़ी अलग तरीके के, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से पेड़ भी हैं और ये नीचे अगर आप देखें तो पौधे भी हैं। और यहाँ से आगे आने पर आपको एक और स्टैचू सामने नज़र आने लग जाएगा। ये जो स्टैचू है ये एक बॉक्सर का स्टैचू है और अगर आप देखें तो फुल मेटल से बनाए गए हैं जितने भी स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए हैं। सामने से अगर आप देखें तो डायमंड कट स्टाइल में बनाए गए हैं ये। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर आपको ऐसे सिटिंग के और ऊपर से ऐसा डिज़ाइन आपको मिलता रहेगा यहाँ पर जितना भी आप वॉकिंग करेंगे। सामने अगर देखें तो आगे अगर आप जाएंगे तो आज़ादपुर की तरफ चले जाते हैं, शालीमार बाग और आज़ादपुर की तरफ। और अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं तो जहांगीरपुरी चले जाते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो राइट में पूरा का पूरा जो यहाँ का मेंटेनेंस है, रखरखाव है, आप देखें कटिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो रही है और वो अच्छी बात है क्योंकि उससे ये जो जगह है ये वेल ब्यूटीफुल जैसी बनाई गई है वैसे ही बनी रहेगी। और आप देखें तो काफ़ी क्लीन है, प्रॉपर तरीके से साइकिलिंग भी है, वॉकिंग भी है, सिटिंग भी है और ग्रीनरी भी बनाई गई है। और यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट है अगर आप देखें तो, यहाँ से अगर वॉकवे से आप जाना चाहें तो राइट से भी रास्ता है और सामने से भी आप देखें तो आप जा सकते हैं। सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर मेट्रो का भी काम चल रहा है, काफ़ी सारी कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर होने वाली है अपकमिंग जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग मजलिस पार्क की मेट्रो जो कि पिंक लाइन है वो तो आती ही है। और अगर आप यहाँ पर लाइटें भी देखें तो काफ़ी खूबसूरत सी हैं, ब्यूटीफुल सी लाइटें हैं और शाम का वक्त हो चुका है तो ये लाइटें जो हैं वो जलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। रात के वक्त ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और ये इसी रोड का, अरिहंत रोड का दूसरी तरफ का ब्यूटिफिकेशन का व्यू है। यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो जाता है जहांगीरपुरी के लिए। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो साइकिल ट्रैक जो है वो बनाया गया है, यहाँ पर एक अलग तर्ज है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बीच में एक सर्विस रोड भी बनाई गई है इस डिज़ाइन के बीच में। और जो वॉकिंग का और सिटिंग का ट्रैक है वो दूसरी तरफ बनाया गया है। अगर आप रोड की दूसरी तरफ देखें तो ये जो सारा एरिया है ये वॉकिंग और सिटिंग का ट्रैक है। और
और इस तरफ अगर आप देखें तो वॉकिंग का जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा ट्रैक है यहाँ पर। और जिस तर्ज पर उस तरफ बनाया गया था बॉलीवुड के जो मैंसनिंग है ओलंपिक्स जहाँ जहाँ हुए थे वो साइन बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो वॉकिंग के लिए टाइल प्लस जो ग्रेनाइट है उसका यूज़ किया गया है। पेड़ जैसे आप देखते हो काफ़ी ऊंचे पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। और सिटिंग के लिए जैसे उस तरफ बनाया गया था वैसे ही ये डाइस डिज़ाइन में बनाए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारा एरिया जो है वॉकवे के लिए बनाया गया है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो सारा का सारा ग्रीन एरिया इधर भी लगाया गया है, राइट में भी बनाया गया है। और जो ओपननेस है यहाँ की काफ़ी ज़्यादा विड्थ है तो काफ़ी ओपन लगता है। सिटिंग जैसा बाकी जगह बनाया गया है वैसे ही बनाया गया है। इस तरफ आप वॉकिंग करेंगे तो काफी एक मिरर तरीके का आपको इफेक्ट सा लगेगा आगे जो चमक है। और लेफ्ट में यहाँ पे पैरेलली मेट्रो का ट्रैक है, आगे से आपको मेट्रो भी आती हुई दिखेगी थोड़ी देर में। ये सामने अगर आप देखें तो ये पिंक लाइन है जो कि मजलिस पार्क से जाती है मौजपुर की तरफ। समय के साथ दिल्ली के अंदर जो ये ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, फुटपाथ और रोड्स को बनाया जा रहा है और जिस स्पीड से बनाया जा रहा है, आने वाले समय में ऐसे जो 16 स्ट्रेचेज हैं ऐसे ही स्ट्रेचेज आपको लगभग 240 किलोमीटर की रोड्स पर मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही आराम से, साथ में ट्रैफिक चल रहा हो और आप पैदल आराम से चल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ग्रीनरी लगाई गई है, सिटिंग एरिया बनाया गया है और ऐसे अलग अलग अनोखे से डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं ताकि आपको वॉकिंग करते वक्त काफ़ी अलग नज़ारे भी दिखें। सिटिंग के लिए प्रॉपर जगह बनाई गई है। यहाँ पर एक और बात अच्छी है कि अगर आप गाड़ी से या बाइक से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्विस रोड है तो पार्किंग के लिए भी जगह बनाई गई है। आप देखें तो यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, आप बाइक और गाड़ी लगा सकते हैं और वॉकिंग आराम से कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड एक तरीके से आपको पार्किंग मिल जाती है यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर वॉकिंग या बैठने के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अभी तक हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अगर आप देखें तो सारा का सारा एरिया जो है वेल डेवलप्ड है, वेल मेंटेन्ड है। क्लीननेस जो है वो भी आपको मिलेगी, सिटिंग का एरियाज भी आपको मिलेगी, ग्रीन एरियाज भी आपको मिलेंगे। और शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं तो लोग काफ़ी यहाँ पर वॉकिंग के लिए भी आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर भी आपको इस तरीके के ब्लॉकर्स मिल जाएंगे एंट्री और एग्जिट पे, अलग अलग जहाँ पर भी कट्स आते हैं रोड के वहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे। ये सामने आप देखें तो बाहर निकलने के लिए सर्विस रोड पर जाने के लिए है, ऊपर से अगेन दूसरी मेट्रो जा रही है, वही पिंक लाइन है। और अब हम आगे की तरफ अगर जाते हैं तो मजलिस पार्क का जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मेट्रो बन के स्टार्ट होती है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये पूरा स्ट्रेच अगर आप देखें तो हम चलते जा रहे हैं और बड़ा ही एक काम सा पीसफुल सा एक माहौल है। और अगर आप यहाँ से राइट में देखें तो सामने जो आपको हाई राइज फ्लैट्स दिख रहे हैं वो मेट्रो विहार है मुकुंदपुर का। ये जो फ्लैट्स होते हैं ये जो मेट्रो के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। और अब यहाँ से हम ऑलमोस्ट इस जो स्ट्रेच है ब्यूटिफिकेशन का जो कि दोनों तरफ बनाया गया था रोड के मेट्रो के साथ में ओवर होने वाला है। और ये जो आपने देखा ये सारा बुलेवार्ड है, इसीलिए यहाँ पे ये सारे के सारे आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे। लेफ्ट में मेट्रो का ट्रैक है, पैरेलल चलता है यहाँ पर। सामने जो दिख रहा है वो ओवरब्रिज था जहाँ से हमने अपनी जो पहली वीडियो की जर्नी थी वो स्टार्ट की थी। और ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है थैंक यू फॉर विजिटिंग ओलंपिक बुलेवार्ड, तो यहाँ पर हमारी जर्नी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।